ओ आप आ गए, तो चलिए क्लासरूम में चलते हैं। पता नहीं मैं गिरा कैसे। अरे ये क्या है, जरा देखो तो। ओह नो, ये तो एलगी है, मतलब मैं इसी पर स्लिप करके गिरा था। तो चलिए आज हम इसी पर पढ़ाई करेंगे, पर उससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। आप आ गए, आज हम एल्गी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, पर उससे पहले हमें ये तो जानना ही होगा कि एल्गी वास्तविकता में किस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत बिलोंग करते हैं। दरअसल प्लांटी किंगडम को जब बांटा गया तो उसके दो पार्ट हुए, पहला क्रिप्टोगैमस, दूसरा फेमरोगैमस। क्रिप्टोगैमस वे होते हैं जो रेंग कर चलते हैं और उनमें बीज नहीं बनते। ध्यान रखिएगा, क्रिप्टोगैमस में बीज नहीं बनते और सिर्फ फेमरोगैमस में बनते हैं। अब फेमरोगैमस होते ना, वे रेंग कर चलने वाले होते, सीधे खड़े पौधे होते हैं। क्रिप्टोगैमस को भी भागे बांटा गया, जिसमें से पहला है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के अंतर्गत वे पौधे आते हैं जिनकी बॉडी थैलाइड होती है, अर्थात थैलस की होती है। यू कहें सुकायक, और आप तो जानते हैं थैलस, नो पत्ती नो जड़ नो तना। इसलिए थैलोफाइटा के अंतर्गत वे सभी पौधे जो थैलस वाले होते हैं उनको आते हैं, जिसमें आपका एल्गी भी आता है, अर्थात एल्गी आपका थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। बाद में क्रिप्टोगैमस में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, और जो थैलोफाइटा है उसके अंतर्गत आपकी एल्गी। तो चलिए हम आगे की जानकारी के लिए व्हाइट बोर्ड पर आते हैं। जो एल्गी अर्थात शैवाल वर्ड या शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने किया था, जिसका मतलब होता है सी वीड्स, अर्थात समुद्री खर पतवार। ये ऐसे पौधे होते हैं जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अर्थात जनन या तो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं, पर उनके जननांगों में जो भी युग्मक बनाने की क्षमता होती है वो प्रत्येक कोशिकाओं के तक होती है, अर्थात हर सेल जननांग बनाने की क्षमता रखता है। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा कि कोई चीज़ एल्गी है, चलिए उसके बारे में देखते हैं। देखिए एल्गी जो होते हैं वो आपको अधिकतर ऐसे ही मिलेंगे, जैसे वो हरे रंग के होंगे, उनमें क्लोरोफिल होगा, वो आपको देखने में छोटे से बहुत ही माइन्यूट पौधे जैसे लगे, लेकिन आपको उनमें न पत्तियाँ दिखेंगी, ना ही जड़ ना ही तना, अर्थात उनकी बॉडी जो होगी वो थायलॉयड होगी, अर्थात सुकायक होगी। ये मोस्टली छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, पर हाँ ये मोस्टली सिर्फ छोटे होते हैं, ये बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, आपको लगेगा ही नहीं कि वो एल्गी हैं। ये देखिए माइक्रोसिस्टिस नामक एक बहुत ही छोटे अर्थात माइन्यूट एल्गी का माइक्रोस्कोपिक इमेज, क्या आप इन्हें देख पा रहे हैं? इन्हें कहते हैं डायटम्स। ये फाइटोप्लैंक्टन के अंतर्गत आते हैं, या यू कहें इन्हें फाइटोप्लैंक्टन ही कहते हैं। फाइटोप्लैंक्टन अर्थात पादप प्लवक। फाइटोप्लैंक्टन उन्हें कहते हैं जो फ्रेश वाटर में तैरते रहते हैं, ये फ्रीली रूप से तैरते हैं, और छोटी छोटी मछलियाँ जो होती हैं वो इन्हीं को खाती हैं। ये छोटी मछलियों के लिए भोजन का कार्य करते हैं और प्राइमरी प्रोड्यूसर का काम करते हैं, जो कि फूड वेब में सबसे पहले आता है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर का भी काम करती हैं। ये देखिए इन्हें भी फाइटोप्लैंक्टन ही कहते हैं, और ये भी प्रोड्यूसर और छोटी मछलियों के भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ये भी फ्री रूप से टहलते हैं। ये देखिए इन्हें पहचानते हैं आप, ये कहते हैं एंटेरोमॉर्फा। ये उस छोटे एल्गी के मुकाबले काफ़ी बड़ी एल्गी होती है, आप तो इनका साइज देख ही पा रहे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे हम आप सबको ये सब क्यों बता रहे हैं। दरअसल हमने एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स को इसी तरह स्टार्ट किया, आपको नहीं समझ आया ना, हमने एल्गी के जनरल कैरेक्टर को बिना बताए स्टार्ट कर दिया, और जिसमें से पहली हेडिंग है, या उसे पॉइंट भी कहते हैं, अर्थात पहला पॉइंट या हेडिंग है थैलस स्ट्रक्चर, अर्थात थैलस की संरचना, जिसमें से हमने आपको दिखाया यूनिसेलुलर और बहुत ही छोटा एल्गी, जिससे हम माइक्रोसिस्टिस एक एग्जांपल था। उसके बाद हमने आपको दिखाया उससे एक बड़ा मल्टीसेलुलर एल्गी, इसे तो शायद कुछ लोग पहचानते होंगे, इसका नाम है कारा, CHARA, कैरा। ये मोस्टली पॉन्ड्स के अंतर्गत पाया जाता है। ये आपको देखने में लगेगा कि इसमें तो ढेर सारे ब्रांचेस निकले हुए हैं, ये आपको एलगी लगेगा, ये लगेगा कोई छोटा मोटा पौधा है, पर वास्तविकता में ये एक एलगी है। ये देखें आप इसे देख पा रहे हैं, इसे देखकर बहुत से लोग बोलेंगे क्या अटैक सर, क्या यही होता है एलगी इतना बड़ा? बिल्कुल नहीं, पर एक बात जानिए, नेचर में सब कुछ है, और नेचर ने सबसे बेहतरीन इंसान को दिमाग दिया हुआ है, और आप उस दिमाग को खोलें तो आपको जरूर समझ में आएगा कि ये भी एक एलगी ही है। इस एलगी का नाम है सारगासम। ये देखिए ये भी एक सारगासम का ही एक इमेज है, ये मत सोचिएगा कि ब्रायोफाइट या टेरिडोफाइट है, एलगी ही है। भले आपको यकीन ना हो रहा हो, पर वास्तविकता में एक मिनट आप
हैरान मत होइएगा क्योंकि आपने अभी लास्ट वाले एलगी को देखा ही नहीं। तो चलिए हम देखते हैं सबसे बड़े एलगी। अभी तक इनसे बड़ा एलगी मिला नहीं है। ये है सबसे बड़े एलगी जो समुद्र में पाए जाते हैं। पेस है क्रोसिस्टिस, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कितनी बड़े बड़े, ये बहुत ही विशाल का एलगी होते हैं। इनकी लंबाई तकरीबन 40 से 50 फीट तक होती है। अगर आप इनके किसी और इमेज को देखें, ये देखिए और ये देखिए, ऐसा सेम टू सेम एक और एलगी पाया जाता है और उसका नाम है नेरियोसिस्टिस। ये बहुत ही विशाल का है। ये मैक्रोसिस्टिस से भी, माइक्रो नहीं, मैक्रोसिस्टिस से भी बड़े बड़े होते हैं, अर्थात तकरीबन 10 फीट ज़्यादा बड़े होते हैं। वे 40 से 50 फीट, तो ये 50 से 60 फीट बड़े होते हैं। नहीं मानते, ये देखिए। चलिए हम आगे बात करते हैं। देखिए अभी तक हमने जितने भी एलगी को आपको दिखाया वे या तो फ्रेश वाटर एलगी थे या फिर मराइन एलगी, अर्थात या तो मीठे पानी के अर्थात तालाबों पोखरों के या फिर समुद्री पानी के एलगी थे। पर अब हम आपको दिखा रहे हैं टेरेस्ट्रियल एलगी अर्थात स्थलीय शैवाल। ये देखिए, ये है ऑसिलेटोरिया और ये है नोस्टॉक। ये मोस्टली ऐसे मिट्टियों में पाए जाते हैं जो थोड़ी बहुत एल्कलाइन हो अर्थात क्षारीय हो, या फिर उसमें कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा हो या फिर थोड़े भी पर हों जरूर। ये देखिए, ये है फ्रिस्चियला। ये मोस्टली एसिडिक सॉइल में उगते हैं। जहाँ पर सॉइल थोड़ी सी भी एसिडिक हो वहाँ पर इनके उगने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ये देखिए, इसे कहते हैं बॉट्रिडियम और ये है वाउचेरिया। ये मोस्टली ऐसे जगहों पर पाए जाते हैं जो या तो छायादार हो या दलदली मिट्टी हो, या फिर ये ऐसे दीवारों पर भी पाए जाते हैं जो नम हो और छायादार हो। हमने इनके थैलस स्ट्रक्चर को तो देख लिया, अब हम इनके हैबिट और हैबिट अर्थात आवास के बारे में भी देख लेते हैं। क्या यह सीन अच्छा है? अर्थात यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर बर्फ के ऊपर आपको पीले रंग की चादर जैसे दिख रही होगी। ये जो आप पीले रंग की चादर देख पा रहे हैं ये एक एल्गी कोयस होती है जो बहुत ही कॉमनली पाया जाता है, जिसका नाम है क्लेमाइडोमोनॉस येलो स्टोनेंसिस। यह बर्फ पर भी पाई जाती है। जो पीले रंग के कवर देख रहे हैं ना, यही, इसीलिए हम इन एल्गीज को क्रायोफाइट कहते हैं। ये बर्फ पर भी पाए जाते हैं। ये देखिए, इस एल्गी को हम कहते हैं हिमेटोकॉकस। इसकी वजह से जो बर्फ होती है ना वो लाल रंग की दिखाई देती है। ये भी क्रायोफाइट एल्गी है। ये है एनसाइलोनीमा नार्डेंस की ओल्डी। इसके वजह से जो बर्फ होती है वो जामुनी भूरे रंग की दिखती है। और एक एल्गी है स्कॉटियेला नाइवेलिस। इसके वजह जो बर्फ होती है ना काले रंग की दिखाई देती है। ये सब क्रायोफाइट्स हैं। ये देखिए, इस एल्गी का नाम है ऑक्सीलेटोरिया ब्रेविस। ये एक थर्मोफाइट एल्गी है। थर्मोफाइट एल्गी उन्हें कहते हैं जो काफ़ी गर्म जगहों पर अर्थात तकरीबन 70 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में भी उगते हैं। थर्मल अर्थात उष्मा, इसे थर्मोफाइट कहते हैं। ये देखिए, यह है क्लेडोफोरा उडोगोनियम वाउचेरिया एट्सेट्रा। ये क्या होते हैं, इन्हें हम एपीफिटिक एल्गी कहते हैं। एपी अर्थात ऊपर और फेटिक मतलब पौधा, अर्थात ये किसी दूसरे पौधों पर भी उगने की क्षमता रखते हैं, इसीलिए हम इन्हें एपीफिटिक एल्गी कहते हैं। सेम ऐसा ही एक एपीफिटिक एल्गी नोस्टॉक भी होता है, जो एक ब्रायोफाइटा एंथोसिरोस के थैलस के अंतर्गत भी उगने की क्षमता रखता है। क्षमता क्या, उगता ही रहता है हमेशा। और इसी तरह एक एल्गी है एनाबीना, जो कि एजोला नाम के फर्न अर्थात टेरिडोफाइटा के अंतर्गत उग जाता है। इसी तरह एनामिना, नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, ये सब जो एल्गी होते हैं वो अनावृत बीज अर्थात जिम्नोस्पर्म साइकस के कोरलाइट जड़ों के भी भीतर पाए जाते हैं। ये देखिए, इन एल्गीज को हम कहते हैं एपीजोइक अर्थात ऊपर और जोइक अर्थात जानवर। कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जो दूसरे जानवरों के ऊपर भी उग जाते हैं, उन्हें हम एपीजोइक एल्गी कहते हैं। और जैसे कि ये देख पा रहे हैं आप, कछुए की सेल के ऊपर अर्थात टर्टल सेल के ऊपर एक एल्गी उगा हुआ है जो कॉमनली प्रोटोडर्मा कहलाता है। ये एल्गी एपीजोइक के अंतर्गत आता है। जिस तरह आपने कछुए के सेल को देखा उसी तरह कुछ एल्गीज घोंघे के सेल पर भी उगते हैं, इन्हें भी हम एपीजोइक कहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो जानवरों के अंदर उगते हैं, उन्हें हम इंडोजोइक एल्गी कहते हैं, जैसे कि जू क्लोरेला। कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जैसे कि क्लोरेला, नोस्टॉक, ये सब जो होते हैं ना वे सब कुछ फंगस जैसे एस्कोमाइसिटीज और बेसिटियोमाइसिटीज फंगस के साथ सहजीविता अर्थात सिम्बियोसिस दर्शाते हैं, जिन्हें हम कम्प्लीटली मिला जुला कर लाइकेन अर्थात सैवाक कहते हैं। वेट अ मिनट, यदि आप एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज फंगस इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और हम तो कहेंगे अगर आपने कभी नहीं देखा तो आप प्लीज़ एक बार देखें ज़रूर। इसी तरह एक सवाल है जिसे हम कहते हैं क्लेडोफोरा, एक स्पंज अर्थात पोरीफेरा का एक जंतु स्पंज,
जिसका नाम है एफिडेरिया, उसके साथ भी सिम्बियोसिस रूप से दर्शाता है। कुछ एल्गी तो पैरासिटिक भी होते हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ एल्गी पैरासाइट भी होते हैं, जैसे कि सिफेलियोरास वायरसेंस। ये एल्गी चाय की पत्तियों में रेड रस्ट, जो आप देख पा रहे हैं लाल लाल रस्ट बनाते हैं, जिससे चाय की पत्ती को काफ़ी नुकसान होता है और इससे चाय की इंडस्ट्री में काफ़ी भारी क्षति होती है। अगर आपने कभी सिफेलियोरास वायरसेंस को नहीं देखा तो आपने ये तो देखा होगा या ये भी नहीं देखा। आप क्या सोचते थे, क्या ये फंगस की वजह से होता है? अरे बिल्कुल नहीं, ये तो सिफेलियोरास वायरसेंस नाम के एल्गी की वजह से होता है। चलिए अब हम इसके थैलस के शेप्स को भी देखते हैं कि आखिर इनका थैलस किस किस आकार का पाया जाता है। पहला है यूनिसेलुलर। कुछ एल्गी होते हैं जो यूनिसेलुलर अर्थात सिर्फ एक कोशिका के बने होते हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनोस, और इनमें चलने के लिए फ्लैजेला पाया जाता है। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनमें फ्लैजेला भी नहीं पाता, और ये अपने जीवन काल में अर्थात लाइफ साइकिल में कुछ समय के लिए स्टेबल फॉर्म अर्थात स्थिर रूप ले लेते हैं, जिन्हें हम कोकोइड कहते हैं। ये देखिए, ये है कुछ कोकोइड्स के इमेजेस। अब आते हैं हम मल्टी सेलुलर एल्गी पर। ये जो होते हैं वो मोस्टली कॉलोनी के रूप में रहते हैं। इनकी जो कॉलोनी होती है उन्हें हम कभी कभी सिनोबियम या चल मंडल कहते हैं। ये देखिए, ये है पहला वाला वॉलवॉक्स, और दूसरा है जो है उसे कहते हैं पेंडोराइना। ये आपको सिनोबियम दर्शा रहे, अर्थात देखिए इसमें कई सारे एल्गी लगे हुए हैं, इसी को हम कहते हैं सिनोबियम या चल मंडल या कॉलोनी, हिंदी में निवह। ये जो निवह या सिनोबियम होते हैं ये चल फिर सकते हैं, इसलिए इन्हें चल मंडल कहते हैं, और कुछ निवह अर्थात कॉलोनी स्थिर होते हैं, ये जगह पड़े रहते हैं, जैसे कि हाइड्रोडिक्टियन, सॉरी फिगर नहीं है। मल्टी सेलुलर एल्गी में अगला स्टेज है पाल्मेला स्टेज। ये जो होता है इसमें जो एल्गी होते हैं ना, वे सभी इनके जो जितने भी सेल होते हैं वे सभी स्लेश अर्थात स्लाइम, ये एक चिपचिपा पदार्थ है जिसे अपने शरीर से बाहर निकालती रहती हैं और अपने आप को इसी में घेर लेती हैं, इसी को हम कहते हैं पाल्मेला स्टेज, जैसे कि टेट्रास्पोरा। मल्टी सेलुलर एल्गी में अगला फॉर्म है फिलामेंटस एल्गी। ये जो होते हैं ये मल्टी सेलुलर तो होते हैं, पर इनके जो बॉडी होती है ना वो फिलामेंट अर्थात धागे के रूप में होती है, जैसे कि यूलोथ्रिक्स, जिग्निमा एट्सेट्रा। कुछ एल्गियों का थैलस काफ़ी ज़्यादा घुमावदार अर्थात स्पाइरल क्वाइल्ड होता है, जैसे कि स्पाइरुलाइना। अगर आप इसमें देखें तो आपका जो ये थैलस दिखेगा ये काफ़ी ज़्यादा घुमावदार, यूँ कहें स्पाइरल दिखेगा। कुछ एल्गी जैसे कि क्लेडोफोरा, अगर आप इसमें देख पाएँ इसके जो फिलामेंट होते हैं वे ब्रांच्ड होते हैं अर्थात शाखी, शाखाओं के रूप में इनके फिलामेंट होते हैं, सिंगल फिलामेंट नहीं होता, एक फिलामेंट से कई सारे ब्रांचेस होते हैं, इसीलिए हम इन्हें ब्रांच फिलामेंटस एल्गी भी कहते हैं। अगला टाइप है डेंड्रॉइड। ये जो होते हैं इनमें जो एल्गी होते हैं देखने में उच्च श्रेणी अर्थात हाई ग्रेड के पेड़ के जैसे दिखेंगे, जैसे कि कैरा और सार्गासम एट्सेट्रा। कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं जिनमें उनके अगर थैलस को देखा तो ऐसा लगता है जैसे पैरेन्काइमेटस सेल्स के बने होते हैं, जैसे कि आपने पहले तो देखा सार्गासम। और कुछ लाल सवाल होते हैं या यू कह रेड एल्गी होते हैं, जैसे कि पोरफायरा, और कुछ ग्रीन एल्गी होते हैं जैसे कि अलवा, एक को तो आप जानते हैं कैरा, और ने एल्गी के थैलस के स्ट्रक्चर और उसके साइज, कॉमन हैबिट, हैबिटेट, इन सब के बारे में डिटेल ले ली। पर अब हम आगे पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन एंड न्यूट्रिशन। आप अभी क्या कर रहे हैं, क्या वीडियो देख रहे हैं? एक मिनट के लिए वीडियो देखना बंद करिए और इसके साथ ही आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि कुछ अच्छा लगे तो लाइक, और कोई भी बात या शिकायत या सुझाव कुछ भी हो तो कमेंट। चलिए अब हम इसके न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं। एल्गी, आप अच्छे जानते हैं कि एल्गी जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, क्यों? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल होने की वजह से ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। कुछ सवाल जो होते हैं एल्गी वो पैरासाइटिक होते हैं, जैसे कि सिफेलियोरास। सिफेलियोरास जो होता है वो चाय, कॉफ़ी, इन सब की पत्तियों के अंदर कोशिकाओं के कोशिका अवकाश में अर्थात इंटरसेलुलर स्पेसेस में पाया जाता है और उनसे अपना भोजन लेता है। बस एल्गीज में न्यूट्रिशन इसी तरह होता है। अब हम बात करेंगे एल्गी के रिप्रोडक्शन के बारे में, उसके लिए व्हाइट बोर्ड पर आते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अर्थात कायिक या वर्धी जनन। इसमें क्या होता है, ये मोस्टली विखंडन अर्थात फ्रेगमेंटेशन विधि द्वारा होता है। इसमें जो होता है, यदि आप देख पा रहे हो तो यह एल्गी का एक फिलामेंट है, यही फिलामेंट दो फिलामेंट में टूट जाएगा, किसी भी कारणवश दो फिलामेंट में टूट जाएगा, और बाद में यही दोनों फिलामेंट नए एल्गी बनाएंगे, इसी को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा स्पोर्स के द्वारा होता है, सो इसमें कई प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। जू स्पोर जो होता है वो एक हैप्लॉयड स्पोर होता है, और ये जो स्पोर होता है ना, इसमें फ्लैजिला पाया जाता है, और बाद में ये इन्हीं फ्लैजिला के द्वारा पानी में इधर उधर चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन करते हैं। अगला टाइप ऑफ स्पोर है एप्लैनोस्पोर। एप्लैनोस्पोर जो होता है वो कुछ नहीं होता, सेम जू स्पोर ही होता है, बस फर्क ये है कि वो टेरेस्ट्रियल एल्गीज में ज़्यादा पाया जाता है और इसमें फ्लैजिला नहीं होता, इसलिए चल फिर नहीं सकता, एक जगह पड़ा रहता है और वहीं से अपना ग्रोथ करता है और नया एल्गी बनाता है। थर्ड टाइप ऑफ स्पोर है हिप्नोस्पोर। हिप्नोस्पोर जो होता है वो एप्लैनोस्पोर ही होता है, बस फर्क ये है कि एप्लैनोस्पोर तुरंत ग्रोथ कर लेता है कुछ समय में, और जो हिप्नोस्पोर होता है उसके चारों ओर एक सेल वॉल की मोटी लेयर बन जाती है, और बाद में ये कुछ समय बाद जब अनुकूल परिस्थिति आती है अर्थात परफेक्ट कंडीशन, तब ग्रोथ करता है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन बाई एकाइनिड्स। एकाइनिड जो आप मेरे बगल में देख पा रहे होंगे वो क्या होता है कि जो सेल वॉल होता है ना, वो किसी एक सेल के चारों तरफ काफ़ी मोटा हो जाता है, और जो सेल होता है वो काफ़ी मात्रा में फूड स्टोर कर लेता है और सेल वॉल को अपना एक मोटा लेयर बना लेता है और उसी में पड़ा रहता है, और जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो वही एक सेल फिर से ग्रोथ करके नया एल्गी बना लेता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है पाल्मेला स्टेज। इसके बारे में हमने आपको पहले बता दिया, इसलिए थोड़ा पीछे होकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पोर है टेट्रास्पोर। ये टेट्रास्पोर होता है, ये क्या होता है कि ये मोस्टली रेड एल्गीज अर्थात लाल शैवाल में पाता है। इसमें जो होता है ना कि जो बीजाणु धानी होती है उसमें मियोसिस डिवीजन के द्वारा चतुष्की बीजाणु अर्थात टेट्रास्पोर बनते हैं, और बाद में यही चारों अंकुरित होकर अर्थात यू कहें जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट अर्थात यू कहें नया एल्गी बना लेते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पोर है कार्पोस्पोर। ये जो कार्पोस्पोर होता है ये हैप्लॉयड या डिप्लॉयड कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये नॉन मोटाइल होता है अर्थात ये चल नहीं सकते, ये युग्मनज के डिवीजन के बाद अर्थात कार्पोस्पोरेंजियम में बनते हैं। ये देख लीजिए, अगर आपको यकीन ना हो तो ये आप देख पा रहे हैं, इन्हें ही हम कहते हैं कार्पोस्पोर, और ये जो जिसके अंतर्गत मौजूद है जिस गमले या कलश के अंतर्गत उसे ही कहते हैं कार्पोस्पोरेंजियम। अब हमारा लास्ट बच रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तीन मेन पॉइंट्स हैं जिसे हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। यदि आपने वो वीडियो न देखा हुआ तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा। वे तीनों पॉइंट्स हैं आइसोगैमी, एनआइसोगैमी और ऊगैमी अर्थात समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो इन्हीं तीनों में से किसी एक के द्वारा होता है, और इसमें युग्मक अर्थात गैमेट्स भाग लेते हैं। जो गैमेट होते हैं वे गैमेटेंजियम अर्थात युग्मक धानी में मियोसिस डिवीजन के द्वारा बनते हैं। युग्मक ध्यान दीजिएगा हैप्लॉयड होते हैं अर्थात एन, उनमें सेट ऑफ क्रोमोसोम सिंगल में होता है अर्थात पेयर में यू कहें जोड़ी में नहीं होता। अब तक हमने एल्गी के थैलस स्ट्रक्चर, साइज, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, उनके हैबिटेट, इन सभी के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स ले ली। अब बचा है हमारा एक लास्ट टॉपिक, ये एल्गी का फर्स्ट पार्ट था। इसका नेक्स्ट पार्ट आगे आएगा, यदि आपको उस पार्ट को भी देखना है तो अपने इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ, यदि आपको कोई सुझाव, कोई शिकायत या हमें कोई सलाह देना हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स जो कि खाली पड़ा है उसमें कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप हमें यह ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। आज कहाँ जा रहे हैं आप, क्या हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स नहीं चाहिए? चाहिए ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स के PDF दिए हैं, अगर आपको ज़रूरत हो तो डाउनलोड कर लीजिएगा। जाने से पहले बताइएगा ज़रूर, आने वाले समय में हम इंटर और ग्रेजुएशन इनके लाइव प्रैक्टिकल्स भी करके आपको दिखाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड विथ अस बाय सब्सक्राइबिंग द सब्सक्राइब बटन। अब हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।